क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं दीपक। तो आई होप गाइस सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना। बिल्कुल सर, बैठा बैठा लग रहा है मेरा, है ना, है गला बैठा बैठा लग रहा है। बाकी ज्यादा बोल बोल के ऑफिस में, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना हमें, फटाफट जाके कर लो। पहले नीचे लिंक दे रखा है मैंने, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, ग्रे कर दो उसको, वो लाल रंग का आंखों में चुभ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है बिल्ली ने हजूर से क्या फरियाद की। अच्छा, तो बनता है देखना। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने के कांटों का भी एहतराम सिखाया, मदीने के जानवरों का भी एहतराम सिखाया, और हजूर ने क्या सिला दिया उनको, उनको क्या सिला दिया। देखो जो नबी के काम आ गए वो किस कदर काबिले एहतराम हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम जब गारे सौर में गए तो एक कबूतर एक कबूतरी दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी से वहां घोंसला बनाया, और कबूतरी ने फौरन अंडे दिए। क्यों? मकड़ी ने जाला डाला इसलिए कि उनको काफिरों को ये बताने के लिए कि अगर हुजूर जाते तो घोंसला टूट जाता। इसका मतलब यहाँ अंदर कोई है नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने काम आए वो कबूतर और कबूतरी, तो अल्लाह ने उनमें इतनी बरकत अता की कि कहा जाता है कि मक्के शरीफ में और मदीने शरीफ में इस वक्त जितने कबूतर है हजारों लाखों की तादाद है, वो सब उन दोनों की औलाद से। जो कबूतर और कबूतरी ने वहां पे घोंसला बनाया था, अब कबूतरी ने अंडे दिए थे, और आज देखो दुनिया भर में कबूतर काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा और मक्के शरीफ के कबूतरों का एहतराम किया जाता है। लोग अपने अपने वतन से दाने लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं। किनको? उन कबूतरों ने हुजूर पे कोई एहसान नहीं किया, उन कबूतर वो कबूतर हुजूर के कुछ काम नहीं है जो आज के कबूतर है, बल्कि उनके ऊपर 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 के अपने अब्बा जो नस्लों में बहुत ऊपर थे, जब उन्होंने हिजरत की शब हुजूर अलैहिस्सलाम की गोया की मदद की और उन्होंने अंडे दिए घोंसला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोहब्बत का सिला उठा ये दिया, तुम दोनों मेरे महबूब की हिफाजत का जरिया बने, तो आज तुम्हारी औलाद को काटा और मारा नहीं जाएगा, बल्कि मौलवी साहब भी आ रहे हैं तो अपने वतन से दाना लेकर आए, उनको दाने डाले। खुदा की कसम दुनिया भर के कबूतरों को इधर उधर उड़ उड़ करके जाके दाने तलाश करना पड़ते हैं, और मदीने शरीफ और मक्के के हरम में इतने दाने पड़े रहते हैं कि वो खा खा के थक जाते हैं, फिर भी दाने खत्म नहीं होते, और उन दानों की क्या फजीलत है। वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, तवज्जो करें, जो वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये एक अल्लाह वाले का कौल बयान कर रहा हूँ, आपको पसंद आए तो लाइएगा वरना यही छोड़ छोड़ जिस को चुग जाए, तो वो चंद दाने अगर आप खा ले और उठा करके किसी लावलद औरत को खिला दे, तो अल्लाह ताला उन दानों की बरकत से उसको औलाद अता फरमा देगा। यानी उन दानों के अंदर इतनी तासीर है। किन दानों के अंदर? हराम के कबूतर जिसको चुग करके छोड़ देते हैं, या अल्लाह जो महबूब के काम आए उनकी औलाद चोट में तूने ये तासीर पैदा कर दी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे में झूठे में क्या तासीर होगी, और फिर उनकी औलाद झूठे में क्या तासीर होगी, उनकी उम्मत के झूठे में क्या तासीर होगी, जो रात दिन उस हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, उनके तस्करे करते हैं, उनके जिक्र से अपनी ज़बान बंद कर रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके झूठे में क्या तासीर रखी होगी। आप गौर फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने मुनव्वरा में क़याम पज़ीर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं मदीने की हवा को बुरा नहीं कहना, मदीने की गर्मी को बुरा नहीं कहना, मदीने की तकलीफ को बुरा नहीं कहना। सरकार फरमाते हैं जिसने मदीने की किसी चीज को बुरा किया, बुरा कहा, माज़ अल्लाह, उससे हुजूर को अज़ियत पहुंचती है। रिवायतों में आता है कि एक साहब ने मदीने मुनव्वरा पहुंच करके दही खाई और कहा हो ये तो खट्टी है। सरकार का आप में आगे कहते हैं तूने मेरे शहर की दही को खट्टी कहा, जहां तुझे मीठी मिलती वहां चला जा। रिवायतों में आता है एक बुजुर्ग, वो बुजुर्ग मदीने तैयबा गए, जब मदीने मुनव्वरा गए तो एक बिल्ली का बच्चा उनके साथ हो गया, और जब वो साथ हुआ तो वो जब भी मस्जिद नबवी आते तो बच्चा साथ में आता बिल्ली का, और जब भी वो घर जाते तो बिल्ली का बच्चा
साथ साथ कर जाए। अब उस बुजुर्ग को उस बिल्ली के बच्चे से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली का बच्चा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। उस वक्त तो प्लेनों का मामला नहीं रहता था, लोग पानी के जहाजों में या पैदल या सवारियों पर सफर करते थे। अब वक्त आने लगा, ये सोचते रहे कि कैसे ले जाऊंगा इस बिल्ली के बच्चे को, इससे प्यार करता होगा, ये मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, उसको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब होता है। इन्होंने सोचा है जरा बता लेते उस पिंजरे में बिल्ली के बच्चे को रख देंगे और रखने के बाद फिर जब से साथ ले जाए पिंजरा बन गया। अब कल सुबह रवाना किए, सुबह को बिल्ली के बच्चे को पिंजरे में डालना है। रात हुजूर ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं बिल्ली का बच्चा लेके मत जाना। सरकार ख्वाब में आते कहते बिल्ली का बच्चा लेके मत जाना। अस कुसुम मेरे माँ बाप आपके कुर्बान को बजा क्या है? फरमाया आया जिस दिन से तूने नियत की है कि मैं बिल्ली का बच्चा अपने घर ले जाऊंगा अपने वतन, वो रोज आना मेरे पास आकर के कहता है या रसूल अल्लाह वो मुझे ले जाना चाहता है, वो मुझे ले जाना चाहता है, मुझे ले जाना चाहता है आका, वो आपसे जुदा करना चाहता है, आपसे दूर करना चाहता है। या रसूल अल्लाह मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता, मदीना छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। सरकार कहते जब वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता तो मैं भी उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम बिल्ली का बच्चा अपने साथ नहीं ले जा सकते। अल्लाह अकबर। आप और करें, बिल्लियों को भी मदीने से प्यार है, जानवरों को भी मदीने से प्यार है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बड़ी जल्दी खत्म हो गई, बड़ा सही सा लग रहा था ना सुनने में वाकई में यार, मतलब बड़ा मजा सा आ रहा था सुनने में जिस तरीके से ये बता रहे थे। हालांकि मैं इनकी और वीडियो निकालूंगा, मेरे को तो बढ़िया लगी है ना, अच्छे तरीके से समझा रहे थे। बाकी आपको कैसी लगी आप ज्यादा बेटर बता सकते हो हमें कमेंट करके और हमारी वीडियो को लाइक करके, है ना। बिल्कुल, कमेंट तो करके जाया करो यार, वीडियो पे जितनी वीडियो आते कमेंट करके जाया करो और है ना सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को डेली वीडियो देखने के लिए। सवेरे और शाम वीडियो डेली आती है और इंस्टाग्राम पे भी हम आजकल रील डाल रहे हैं मैडम की गलती से, सवेरे और शाम दोनों टाइम गलती से जबरदस्ती आपने करवाई क्योंकि टैलेंट है तो इसीलिए। तो आप जाके फॉलो कर लो उसको भी और बताना कैसी वीडियो है क्या है, कमेंट करके बताना। नहीं अच्छी लगे तो अनफॉलो करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बार जाके देख के आओ, चेक करके आना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा, गुड नाइट।